ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर माला मिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग में प्राध्यापनरत। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की रचना के अंतर्गत स्त्री प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। श्रृंखला की कड़ियां में निरूपित महादेवी वर्मा की स्त्री संबंधी मुख्य चिंताओं को जान सकेंगे, भारतीय समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति के कारणों को समझ सके, स्त्री और पुरुष के बीच के मुख्य अंतर को रेखांकित कर सकेंगे, महादेवी वर्मा की स्त्री दृष्टि से परिचित हो सकेंगे। महादेवी का कवि हृदय कविता के माध्यम से उनकी आत्मानुभूतियों को व्यंजित करता है और उनकी गद्य रचनाएं जीवन के हाहाकार और जटिलताओं का उद्घाटन करते हैं। श्रृंखला की कड़ियां सृजनात्मक यथार्थ से ओतप्रोत होते हुए भी संवेदना के स्तर पर एक अनुपम रचना है। सिमोन द बोवार की प्रसिद्ध नारीवादी कृति द सेकंड सेक्स 1942 से पूर्व प्रकाशित श्रृंखला की कड़ियां 1931 में लेखिका ने नारी प्रश्नों पर तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण ढंग से चिंतन मनन किया है। चांद पत्रिका में संपादकीय टिप्पणियों को ही कालांतर में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक के अंतर्गत गौरवान्वित रूप में प्रकाशित किया गया। ये विचारोत्तेजक लेख तथा जड़ी भूत रूढ़ियों के विरुद्ध उनकी प्रतिबद्धता ही इस महत्वपूर्ण पुस्तक की पृष्ठभूमि रही है। लेखिका ने जीवन काल में अपने संपर्क में आने वाले स्त्रियों की दारुण व्यथा का साक्षात अनुभव किया और स्त्री विरोधी मानसिकता ने उन्हें छलनी छलनी कर दिया। जीवन भर रेगिस्तान की तपती धूप में अपना सब कुछ सर्वस्व होम कर देने के बावजूद वे संपूर्ण जीवन उपेक्षा और तिरस्कार की ही पात्र बने रही। मैंने भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टि बिंदुओं से देखने का प्रयास किया है। अन्याय के प्रति मैं स्वभाव से असहिष्णु हूँ, अतः इन निबंधों में उग्रता की गंध स्वाभाविक है, परंतु ध्वंस के लिए ध्वंस के सिद्धांत में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। महादेवी वर्मा ने बड़ी ईमानदारी से इस कथन को कहा। स्त्री पुरुष संबंधों में वैषम्य में शिक्षा के अभाव में अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता, घर और बाहर का द्वंद्व, पत्नीत्व और मातृत्व के नाम पर नारी का दैहिक तथा मानसिक शोषण, कुछ ऐसे ज्वलंत विषय और प्रश्न हैं जिन पर लेखिका का ध्यान आज से 8 दशक पूर्व केंद्रित हुआ। स्त्री चेतना और स्त्री विमर्श का महादेवी वर्मा के क्रांतिकारी व्यक्तित्व और चिंतन से क्या कभी उड़न हुआ जा सकता है? कतई नहीं। चेतना का यह भाव तो स्त्रियों के लिए शताब्दियों तक दूरस्थ और अगम्य ही रहा। यह विडंबना ही है कि संपूर्ण जड़ चेतन में परिव्याप्त उसकी चेतन शक्ति, जो स्वयं प्राण और ऊर्जा का मूलाधार है, उसे संपृक्त करके भी उसे अज्ञान में आवेशित होने से मुक्त नहीं किया जा सकता। पुरुष के हाथों की कठपुतली बनकर उसे अपने अस्तित्व का संज्ञान ही कहाँ था और ना ही समाज में अपनी दोयम स्थिति का विरोध करने का साहस ही। साहस तो दूर, इच्छा या अनिच्छा भी उसके शब्दकोश में कतई नहीं थी। उसकी परिधि में इस तरीके की परिभाषाओं के लिए किसी प्रकार की कोई संभावना या कल्पना ही व्याप्त नहीं थी। महादेवी वर्मा के मन में यह प्रश्न बार बार कौंधता है कि स्त्री के मातृत्व को महिमा मंडित करने वाला समाज उसके पत्नीत्व के प्रति इतना संवेदन शून्य कैसे हो सकता है? पशु पक्षी और पाषाण तक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने वाला पुरुष वर्ग स्त्री के प्रति इस सीमा तक असंवेदनशील, अमानवीय और हिंसक होने की सारी सीमाएं कैसे लांघ सकता है? स्त्री चिंतन की इस बीहड़ यात्रा में विषाक्त सत्यों से जब लेखिका का साक्षात्कार होता है तो अनगिनत प्रश्न उसके उत्तरों की अपेक्षा में रूबरू होते हैं। तिलिस्म की तरह एक के बाद एक अनेक आवरण अनावृत होते हैं और असमंजस और द्वंद्व की स्थिति में धीरे धीरे खुलने लगते हैं। समस्या का समाधान वस्तुतः ज्ञान पर अवलंबित है, लेकिन ज्ञाता का निस्संग और पूर्वाग्रहों से युक्त होना वांछित ही नहीं, अनिवार्य भी है। स्त्री के संदर्भ में किसी भी शास्त्रकार ने पुरुष से भिन्न करके उसकी समस्या को नहीं देखा। सीमोन के आक्रोश और विक्षोभ का भी संभवतः यही कारण है।
वे कहती हैं कि पुरुष औरत को औरत के लिए परिभाषित नहीं करता, बल्कि वह पुरुष के संदर्भ में ही परिभाषित और विभेदित की जाती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से स्त्री और पुरुष के जीवन के यथार्थ को सीमोन ने अभिव्यक्त किया है। हमारे समाज में स्त्री की आर्थिक निर्भरता ने नर नारी संबंधों को स्वामी दासी के संबंधों में परिभाषित कर दिया है, कहीं ना कहीं उसे बदल दिया है। 2 जून की रोटी, तन झांपने के लिए कपड़ा और सिर पर छत के एवज में पुरुष स्वयं को पालनहार समझने लगा है। अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षियों और उपयोग के अन्य साधनों की भांति गाय और घोड़ों के समान स्त्री को भी उसने अपना एक अधीनस्थ स्वीकार किया है। उसके शरीर तथा मन पर अपना अधिकार समझता है। पुरुष स्त्री को जीवित मनुष्य के रूप में कभी भी अंगीकार नहीं कर सका है। वह तो उसकी चल अचल संपत्ति में से ही एक है, ऐसा ही उसकी मान्यता है। महादेवी वर्मा को यह क्रूर सत्य झकझोर कर रख देता है कि स्त्री स्थावर संपत्ति के अतिरिक्त पुरुष के लिए और कुछ भी नहीं। भारतीय नारी को अर्धांगिनी, सहगामिनी, सहचरी जैसे अनगिनत संबोधन मिले, लेकिन वास्तविक रूप में वह पुरुष की सहयोगी होने का दर्जा कभी प्राप्त न कर सके। नितांत परवशता और स्वच्छंदता, आत्मनिर्भरता की इन दूरियों को पाटना आखिर किस तरह संभव हो पाए, यही वास्तव में महादेवी जी के लिए चिंता का विषय रहा। भारतीय स्त्री के संबंध में पुरुष के साथ साथी सहचर, जीवन संगी नहीं प्रत्युत भर्ता नाम जितना यथार्थ है उतना संभवतः कोई नाम नहीं। स्त्री पुत्री पत्नी माता आदि सभी रूपों में आर्थिक दृष्टि से सदैव पर मुखोपेक्षिणी रही है। यह किंचित हर्ष का विषय है कि आधुनिक युग में स्वामी और दासी की अवधारणा में आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ है। यदि नर नारी के संबंधों में पारस्परिक भावनात्मक निर्भरता, प्रेम, सहयोग और समानता और सम्मान के आधार पर संचार करना है, तो महादेवी वर्मा के इस सुझाव व परामर्श पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित ही नहीं वरन नितांत अनिवार्य भी है। समय समय पर अपनी परिवर्तनशील गति में उसके देवत्व और स्त्री के दासत्व को बहा ही ले गया है। अब या तो इन दोनों में विकासशील मनुष्य बनना होगा या केवल यंत्र मात्र ही बनकर रहा जाएगा। भारतीय परिवेश में विषम अर्थ विभाजन भी स्त्री की दयनीय स्थिति और शोषण का मूल कारण है। पुरुष ने न्याय का प्रश्रय लेकर और अपने स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इस सीमा तक परावलंबी बना दिया है कि उसकी सहायता के बिना संसार पथ पर एक पग भी आगे बढ़ाने की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन विडंबना यह है कि इस विषम अर्थ विभाजन के दोनों ही रूपों को समान रूप से समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि दोनों ही कारक समान रूप से उसको प्रभावित करते हैं। स्त्री की सामाजिक स्थिति का निर्धारक और अंततः समाज की उन्नति एवं अवनति का महत्वपूर्ण कारक भी स्त्री की स्थिति ही है। समाज की नींव को खोखला करने के लिए और अव्यवस्था को जन्म देने के लिए यह विषम अर्थ विभाजन ही उत्तरदायी है। शताब्दियों तक अर्थ विषमता का संतरास झेल चुकी नारी अब यह पूर्णतः जान चुकी है और परिचित हो चुकी है कि अस्तित्व के संघर्ष की लड़ाई आर्थिक स्वतंत्रता के बिना असंभव है। जब तक वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी, तब तक समाज में उसका प्राप्य स्थान उसको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। महादेवी वर्मा ने इस अर्थ विभाजन की विषमता से उत्पन्न त्रासदी को, इस घातक स्थिति को बहुत ही गहराई तक समझा और उसको रेखांकित करने का, उकेरने का बहुत ही सरल और ईमानदार प्रयास किया है। समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैषम्य की ओर ध्यान न दे, उसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता न समझे, तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा और तब एक निरंतर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे और कुछ न पा सकेगा। ऐसी स्थिति न केवल स्त्री के लिए सुखकर है, बल्कि समाज के लिए भी कतई सृजनात्मक नहीं है, बहुत ही अधिक विध्वंसात्मक है। इसलिए ऐसी स्थितियों पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। समाज में पुरुष की स्थिति कभी भी द्वंद्व से ग्रस्त नहीं रही है। द्वंद्व का शिकार तो मात्र स्त्री ही रही है, क्योंकि वह क्या करे और क्या ना करे, उसका कार्यक्षेत्र क्या हो और क्या ना हो,
वह घर तक सीमित रहे या उसकी परिधि बाहर भी है, इस समस्या का समाधान केवल उसी को लेकर सोचा गया और बुना गया। स्त्रियों के कार्यक्षेत्र को लेकर असमंजस का भाव लेखिका के लिए अत्यधिक चिंता का विषय रहा है। समय की गति के अनुसार न बदलने वाली परिस्थितियों ने स्त्री के हृदय में जिस विद्रोह की भावना को जन्म दिया है, उसके लिए भी घर और बाहर की उसकी समस्याएं और वातावरण जिम्मेदार है। स्त्री की ऐसी उत्तरदायी स्थितियों पर विचार करते हुए महादेवी वर्मा ने रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़ने का सशक्त प्रयास किया है कि किस प्रकार बाहर कार्य करने से घर की मर्यादाएं नष्ट हो सकती हैं, घर उपेक्षित हो जाएगा और बच्चों का पालन पोषण प्रभावित होगा। इस तरह की मिथ्या धारणाओं को तोड़ने का उन्होंने यथासंभव प्रयास किया है। श्रमजीवी और शिक्षित प्रतिभाशाली स्त्रियां घर और बाहर में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं और कर रही हैं, अपनी योग्यता और गुणवत्ता से किस प्रकार वे अपने घुटन और छटपटाहट से उपजी हुई उस अशांतिपूर्ण स्थितियों से मुक्ति पा सकती हैं जो उनके अपने घर के स्वस्थ वातावरण को ही नहीं अपितु सुंदर समाज की रचना और उसके परिवेश को भी विकृत कर देती हैं। घर और बाहर का सामंजस्य स्त्री के लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का मिलकर सामना करना समस्त स्त्रियों के लिए, स्त्री वर्ग के लिए बहुत ही आवश्यक है। महादेवी वर्मा इसी आवश्यकता पर बार बार बल देती हुई दिखाई देती हैं। संक्रमण के दौर में पैदा हुई इस उथल पुथल से ही भविष्य में सुख और शांति का बीज वपन होगा। इस संवेदनशील स्थिति का अनुभव लेखक का वो 8 वर्ष 8 दशक पूर्व ही हो चुका था। संभव है यह मध्य का समय हमारी क्रमागत सामाजिक व्यवस्था को कुछ डावाडोल भी कर सकेगा, परंतु निराशा को जन्म देने वाले कारक उत्पन्न नहीं होने चाहिए। वास्तव में महादेवी वर्मा के लिए मूल चिंतनीय विषय यही था। महादेवी वर्मा के लिए घिनौनी और कड़वी सच्चाई को आत्मसात कर पाना अत्यधिक कठिन था कि किसी कन्या का प्रथम लक्ष्य उसका पत्नीत्व और अंतिम लक्ष्य मातृत्व ही क्यों हो, शरीर की असमर्थता और मन की अनुपयुक्तता को नजरअंदाज क्यों किया जाता रहा है। उसकी इच्छा या अनिच्छा, स्वीकृति या अस्वीकृति, योग्यता और अयोग्यता क्यों और किस लिए महत्वहीन है। माता पिता का कन्या की शिक्षा और विवाह के प्रति ऐसा संकुचित दृष्टिकोण लेखिका के लिए वास्तव में पीड़ा का विषय रहा और इससे उनके मन में निरंतर विक्षोभ पैदा होता रहा। विवाह के हाट में, विवाह के बाजार में उनका मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षित किया जाना उनके निजी विकास के लिए कदापि युक्तियुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार उनके भावी पति, परिवार के व्यक्ति उनके विषय में अपनी धारणाएं बनाते हैं, उसे सुनकर दास प्रथा के समय बिकने वाली दासियों की याद आए बिना महादेवी जी को नहीं रहती। अधिक से अधिक धन देकर, अधिक से अधिक खुशामद करके, अपनी रूप से गुणवती और शिक्षित पुत्रियों को दान देकर कृतार्थ हो जाना, ये सामान्य परिवार की, सामान्य माता पिता की प्रवृत्ति रही है। ऐसा विवाह यदि स्त्रीत्व का कलंक व समझा जाने वाला उपेक्षित चरित्र बनकर सामने आए तब क्या समझा जाए। महादेवी वर्मा केवल विवाह संस्था के मूल आधार में परिवर्तन करने की मांग नहीं करती हैं, बल्कि वे संतानोत्पत्ति के विषय में भी स्त्री की स्वतंत्रता और स्वीकृति की पैरवी करती हैं और उसकी सशक्त पैरोकार के रूप में सामने दिखाई देती हैं। पति का साथी न बनकर स्त्री का पालक और भरणकर्ता बनकर रहना, आत्म सुख में संलिप्त रहना, पालित पत्नी की घुटन, पीड़ा, वेदना और उसकी असंतुष्टि से निरपेक्ष रहना, संभवतः ऐसे कारण हैं जो विवाह को कारावास के रूप में पर्यवसित कर देते हैं, बदल देते हैं और शिक्षित आत्मनिर्भर स्त्रियों के मन में विवाह के प्रति वितृष्णा के भाव को जन्म देते हैं। स्त्रीत्व का परम गौरव मातृत्व है और स्त्री की स्वभावजन्य कोमलता भावनात्मकता का विकास भी है। स्त्रीत्व की सारी माधुर्यमयी गरिमा मातृत्व में ही केंद्रित है। प्रत्येक रमणी अपने भीतर मातृत्व का अंकुर छिपाए हुए है। मातृत्व की महानता और गौरव का व्याख्यान करते हुए महादेवी वर्मा एक नवीन अध्याय जोड़ने की आकांक्षा रखती हैं। इस सर्वोत्तम सुख को पाने का निर्णय
उसे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को तोड़कर स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, पर वशता से नहीं। पुरुष अपनी सत्ता से, अपने मद से और उसमें चूर चूर होकर कैसे भूल जाता है कि पत्नी और माँ होने के अतिरिक्त वह मानवी भी है, एक सामान्य स्त्री भी है। उसके भी अपने कुछ अधिकार हैं, उसके भी कुछ अपने कर्तव्य हैं, उसके भी अपने कुछ निहितार्थ हैं। आत्मनिवेदित, वीतरागी, तपस्विनी, अनुरागमयी पत्नी और त्यागमयी माता का रूप उसके मानवीय होने के अधिकार को किस तरह छीन सकता है, उसकी जरूरतों को किस प्रकार से कुंठित कर देता है। यह अत्यधिक विडंबना ही है कि मातृत्व की गरिमा से संपन्न और पत्नीत्व के सौभाग्य से महिमा मंडित करके उसके सामान्य स्थित्व को कलंकित किया जाता है। भारतीय नारी अपने व्यवहारिक जीवन में सदैव दीन ही रही है। स्वयं स्त्री के रूप में वह नारी की उदारता और त्याग उत्सर्ग की भावना से भली भांति परिचित रही है। उसकी कर्तव्य परायणता के विषय में समाज सदैव पूर्णतः आश्वस्त रहा है। संभवतः इसी कारण से अनाथ बालक बालिकाओं को मातृत्व से सराबोर करने का दूसरा अध्याय जोड़ते हुए महादेवी जी कहती हैं, यदि हमसे कुछ स्वयं माता बनने का स्वप्न देखकर छोड़कर इन्हीं की माता बनने का, इन्हें योग्य बनाने का व्रत धारण कर लें, इन्हें मनुष्य बनाने में, मनुष्य बना पाने में अपनी मनुष्यता की सार्थकता को समझ लें, तो भविष्य में किसी भी दिन इनके द्वारा नवीन रूपरेखा पाकर देश, समाज सब आज की नारी शक्ति पर श्रद्धांजलि चढ़ाने में अपना गौरव समझेंगे। वास्तव में स्त्री के चरित्र के महात्म्य को ही महादेवी जी ने रूपांकित करने का प्रयास किया और जिसके प्रति वे काफी आश्वस्त भी हैं। वैधव्य नारी जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। हमारे समाज में इसी स्त्री का ऐसा अपराध स्वीकार किया गया है कि वह जीते जीत तिल तिल कर घुट घुट कर जीती है। मृत्यु दंड से भी भयावह दंड भोगने के लिए अभिशप्त तो हो जाती है। मानो सामाजिक नियम और शास्त्रीय विधान उसके जीवन से खुशी की एक एक बूंद निचोड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। उनकी आज्ञा होती है, उसके लिए शास्त्रों की आज्ञा है और कदाचित इसके लिए निर्मम ईश्वर की भी आज्ञा का विधान है कि जैसे वे जीवन की प्रथम अंगड़ाई की अंतिम प्राणायाम के रूप में परिवर्तित की गई इकाई है, आशा की पहली सुनहरी किरण को विषाद में निबड़ अंधकार में समाहित कर देना और सुख के मधुर पुलक को आंसुओं में बहा डालना ही उसकी अभिशप्तति है और उसकी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, अभिशप्तता है। लेखिका की दृष्टि में विधवाओं के भरण पोषण की समस्या अत्यधिक विकट है। पितृपक्ष और वर पक्ष में कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर और संलग्न नहीं होता। विधवा के लिए उदर पोषण के साथ साथ रक्षक के अभाव में दुराचार में प्रवृत्त प्रलोभनों से अपनी रक्षा भी उसे स्वयं ही करनी होती है। संबलहीनता जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे कुमार्ग को स्वीकार करने के लिए विवश कर देती है। यह वह नारकीय संताप है जिसे व्यक्त करने में शब्दकोश के शब्द भी अपर्याप्त हैं। शारीरिक दृष्टि से जीवित होते हुए भी वह आत्मिक और भावनात्मक दृष्टि से मृतप्राय हो जाती है। स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर चूर कर पत्थर की देवी प्रतिमा बन जाती है, यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ का दुधमुही बालिका के लिए शापमयी युवती में पर्यवसित हो जाना और विधवा की भूमिका को झेलना इसका जीवंत उदाहरण है। जो किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए हृदय के समान ही प्रिय इच्छाएं कुचल कुचल कर निर्मूल कर देती है। सतीत्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन को अमानुषिक यंत्रणाओं के सहने के लिए अभ्यस्त बना लेती है और इस पर भी दूसरों के अमंगल के भय से आंखों में दो बूंद जल भी इच्छा अनुसार नहीं आने देती। इस वेदना को महादेवी वर्मा ने बहुत ही कुशलता से और बहुत ही भाव प्रवण रूप में रेखांकित किया है, उकेरा है, और इस संदर्भ में उन्हें मानवीय सरोकारों और स्त्रीजन्य भावनाओं के कुशल पैरोकार के रूप में, कुशल चित्रकार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। वैश्य वृत्ति की कारुणिक स्थिति भी लेखिका को अत्यधिक विक्षुब्ध कर देती है। दोरा अभिशाप होती ये वे पतिताएं हैं जिनके दुर्भाग्य का कोई ओर छोर नहीं है। क्रीत दासी न होने पर भी संभवतः अपनी दासता के कारण ही वे जीवन का गर्हितम
व्यवसाय करने के लिए विवश हो जाती हैं। समाज की ओर से भी संभवतः इनके लिए कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता। इस अभिशाप स्वरूप जीवन का विस्तार मात्र मृत्यु के ही रूप में संभव है। मृत्यु को झेलने के लिए अभिशप्त ऐसी स्त्रियां पतित से तो पहले ही निर्वासिता थीं, अब जीविका के अन्य साधनों को अपनाने की स्वतंत्रता से भी निर्वासित हो जाते हैं। इनकी करुणावस्था सदियों से किसी सहृदय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। इनकी दुख भरी जीवन गाथा लिखने का साहस किसी इतिहासकार ने कभी नहीं किया। इनके मधुर जीवन में तिक्त विष मिलाने वालों का नाम कभी सामने नहीं आया, कभी उजागर नहीं हो पाया। इनके विपरीत पुरुष समाज ने इस पर मोहर भी लगा दी, ये स्वेच्छा से ही इस गर्हित व्यवसाय को अपनाती हैं। निष्ठुर और क्रूर समाज ने कभी यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि परिस्थितियों ने उन्हें किस सीमा तक आहत किया होगा और मनुष्य ने उसे कितना छला होगा कि आत्मगौरव से वंचित होकर इस प्रकार के आडंबर और स्नेह त्याग की मात्र स्वप्न के रूप में व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए वो अभिशप्त हो जाए। मन की कोमल भावनाओं से तो उनका नाता टूटता ही है, साथ ही सामाजिक अधिकारों से भी पूर्णतः वंचित हो जाती हैं। लेखिका का यह परामर्श है कि इन पतिताओं का भविष्य संवारने के लिए सबसे पहले पुरुषों को ही पहल करने की अपेक्षा है, अन्यथा इन भाग्यहीन स्त्रियों के जीवन को सुधारने की आशा दुराशा मात्र सिद्ध होगी। इस संदर्भ में यही कहना युक्तियुक्त एवं सार्थक होगा, समीचीन होगा कि सर्वप्रथम ऐसी वैधव्य युक्त त्रासदी को झेलने वाली, ऐसे गर्हित व्यवसाय को अपनाने वाली स्त्रियों की ओर सर्वप्रथम महादेवी वर्मा ने ही ध्यान दिया और औरों का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए समाज को भी इस दिशा में, साधारणतः महान दुराचारी पुरुष भी परम सती के चरित्र का आलोचक ही नहीं न्यायकर्ता भी बना रहता है। जब तक पुरुष को अपने अनाचार का मूल्य नहीं देना पड़ेगा तब तक इन शरीर व्यवसायी नारियों के साथ किसी रूप में कोई न्याय नहीं किया जा सकता। यदि ये कोई महादेवी वर्मा स्त्री की करुण स्थिति और विषमताओं का चित्रण करती हैं, तो दूसरी ओर वे उसकी शिक्षा, आर्थिक निर्भरता और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सहभागिता को भी रेखांकित करना कतई नहीं भूल। समाज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो उसके स्नेह, सहानुभूति एवं सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अपने ममत्व की विशेषज्ञता के कारण ही वे पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ शिक्षिकाएं बन सकती हैं। वे कन्याओं और युवतियों के लिए शिक्षा के साथ साथ गृहस्थ जीवन की शिक्षा, उसके कर्तव्यों से उसका परिचय कराना भी नहीं भूलती। शिक्षा तथा चिकित्सा के अतिरिक्त यदि कानून के क्षेत्र में भी सहभागिता हो तो स्त्री की दुर्दशा में भी किंचित परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। महादेवी वर्मा समाज की कार्यप्रणाली में स्त्रियों की सहभागिता का पूर्णतः समर्थन करते हुए यह सुझाव देती हैं, केवल गार्हस्थिक शास्त्र या संतान पालक विषयक पुस्तकें पढ़कर कोई किशोरी गृह से प्रेम करना नहीं सीख सकती। इस संस्कार को सुदृढ़ करने के लिए स्त्रियों को सजीव उदाहरण देने की आवश्यकता है, जो आकाश से मुक्त वातावरण में स्वच्छंद भाव से अधिक ऊंचाई तक उड़ने की शक्ति रखकर भी बसेरे को प्यार करने वाले पक्षी के समान कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र परंतु घर के आकर्षण से बंधी हुई हो, ऐसा सिखाया जा सकता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि महादेवी वर्मा एक कुशल गृहिणी की भांति, एक घरेलू स्त्री की भांति व्यवहार करती दिखाई देती हैं और वे कितनी अच्छी गृहिणी थी इसका भी ज्ञान होता है कि एक पक्षी की भांति उड़ान भरने के बावजूद वे वास्तव में उस किसी भी पक्षी का असली कार्यक्षेत्र क्या है उससे भी उसको मुक्त होने नहीं देती और इस बात का स्मरण करवाती चलती हैं कि उसका वास्तविक क्षेत्र क्या है। इसी प्रकार पक्षी के उदाहरण के माध्यम से, उसके ब्याज से महादेवी वर्मा एक स्त्री को उसकी घरेलू आवश्यकताओं, घरेलू कर्तव्यों का ज्ञान कराना चाहती हैं कि सब कुछ करके भी उसे वास्तव में घरेलू चीज़ों का ज्ञान रखना परम आवश्यक है, क्योंकि घर में ही रहकर उसकी पहचान बन सकती है, जो कि उसके चरित्र के लिए नितांत आवश्यक है। स्त्री पुरुष की प्रकृति और दृष्टिकोण में अंतर का ही परिणाम है कि स्त्री ने पुरुष के साथ संघर्ष नहीं होने दिया, अन्यथा आज समाज जाति की दूसरी ही कहानी हमारे सामने होती।
आज मानव जाति की दूसरी ही कहानी हमारे सामने होती। युद्ध के प्रति दोनों का दृष्टिकोण सदैव भिन्न रहा है। एक स्त्री के लिए गृह का उजड़ जाना जीवन उजड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। युद्ध के भयंकर परिणाम से वह सदैव उत्प्रेरित रही, इसलिए उससे विमुख भी रही। इसका एक कारण यदि शारीरिक और मानसिक अक्षमता थी, तो दूसरा कारण यह भी रहा कि युद्ध उसके विकास में सदैव बाधक भी रहा है। युद्ध के प्रति पुरुष के मन में आसक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि वह उसे शक्ति, गर्व और आत्मविश्वास का पर्याय मानता है। दो विश्व युद्धों के कारण पश्चिमी देशों में सेना में स्त्रियों की भर्ती के कारण लेखिका के मन में खौफ जगाना स्वाभाविक है। उस जागे हुए खौफ के साथ लेखिका बहुत ही सूक्ष्मता से मानवीय प्रश्नों पर, स्त्री प्रश्नों पर चिंता व्यक्त करती दिखाई देती हैं। इसलिए वे स्त्री को चुनौती देती हैं कि वह क्षेत्र उसके संस्कार, रुचि और नारी सुलभ कमनीयता के अनुकूल नहीं है। आधुनिक युद्ध प्रिय राष्ट्रों की नारियों में यह संस्कार जन्म पा रहा है कि करुणा, दया, स्नेह आदि स्वभावजात गुणों के संहार के लिए यदि पुरुष जैसी पाशविक बनकर उसको पुरुष के समकक्ष बनना है, तो उसे अपने इन सहजात गुणों पर नियमन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी से वह माती जाति अन्य संतानों का गला काटने के लिए तलवार में धार देने जैसे के लिए तैयार बैठी है। किंतु यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि महादेवी वर्मा के लिए चिंता का विषय यह भी है कि स्त्री अपने सहजात गुणों, अपनी मानवीयता, अपनी दयाशीलता, अपनी उदारता और अपनी विस्तृत हृदयशीलता को, अपने ममत्व को कतई ना छोड़े। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह पुरुष से श्रेष्ठ है और वह किसी भी स्थिति में युद्ध प्रियता को वर्ण ना करे, बल्कि सामान्य स्थितियों में सामान्य सदाचार करने वाली एक सशक्त स्त्री के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखें। महादेवी वर्मा की यह चिंता हमें स्पष्ट रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और साथ ही सहयोगी भी। उनमें स्वामी और दासी का संबंध विकृत मानसिकता का ही परिणाम है। लेखिका की दृष्टि में स्त्री पुरुष की छाया मात्र नहीं, बल्कि वह उसकी संगिनी है, ऐसा भी स्पष्ट द्योतित होता है। छाया का लक्ष्य अपने आपको मिला लेना है, या संगनी का सहयोगी की प्रत्येक त्रुटि को पूर्ण करके उसके जीवन को अधिक से अधिक पूर्ण बनाना है। स्त्री और पुरुष चाहे प्रकृति से भिन्न हैं, लेकिन परस्पर विरोधी कतई नहीं है, हरगिज नहीं है। सत्य तो यह है कि दोनों की विभिन्नता ही दोनों की पूरकता का आधार है। पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया। पुरुष प्रतिशोध में क्रोध है, स्त्री क्षमा। पुरुष शुष्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति। पुरुष बल है, स्त्री हृदय की प्रेरणा। लेकिन सत्य से इस तथ्य से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों की परिपूर्णता, समरसता और भावनात्मक प्रगाढ़ता एक दूसरे के सहयोग पर ही अवलंबित है। स्त्री पुरुष का यह पारस्परिक रागात्मक संसर्ग ही सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का मूलाधार है। दोनों की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, प्रत्युत अंतर निर्भरता ही सामाजिक संबंधों की रीढ़ है, मूलाधार है। सापेक्षता ही सामाजिक संबंधों का मूल होता है और इससे उत्पन्न निर्भरता उसके विकास का केंद्र बिंदु। महादेवी वर्मा को यह कहने से कोई परहेज नहीं कि अर्थ का विभाजन और स्त्री पुरुष संबंध ही समाज की दो महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं। दोनों में समानता का भाव अनिवार्य है, क्योंकि वैषम्य की स्थिति अराजकता को जन्म देगी और समाज के पूर्ण प्रासाद को हिलाकर रख देगी। इसलिए महादेवी वर्मा अराजकता की स्थितियों का सर्वथा विरोध करती हैं। लेखिका इस तथ्य पर पुनः पुनः बल देती हैं कि स्त्री पुरुष आकर्षण का कारण ही यह है कि विपरीत ध्रुव सदैव एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। स्त्री पुरुष की भिन्नता का कारण प्राकृतिक है। शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दोनों में अंतर सदैव रहा है और भविष्य में भी रहेगा। परंतु इस तथ्य की को उदारता पूर्वक देखने पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह शारीरिक या मानसिक भेद न किसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है और न किसी की हीनता का विज्ञापन प्रस्तुत करता है। इसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि पुरुष का जीवन संघर्ष से प्रारंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। पुरुष को यदि ऐसे वृक्ष की उपमा दी जाए जो
जो अपने चारों ओर से छोटे छोटे पौधों का जीवन रस चूस चूस कर आकाश आकाश की ओर बढ़ता जाता है, तो स्त्री को ऐसी लता कहना समुचित होगा जो पृथ्वी से थोड़ा सा स्थान लेकर अपनी सघनता में बहुत से अंकुरों को पनपाती हुई उस वृक्ष की विशालता को चारों ओर से ढक लेती है। दोनों की यह भिन्नता ही और विषमता भी जब तक सामंजस्य की स्थिति तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मनुष्यता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम और सफल सिद्ध नहीं हो सकती। हमारे समाज में अपने यथार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलंक है और स्त्री अपनी अज्ञान में निष्पंद सहिष्णुता के कारण पाषाण सी उपेक्षणीय, दोनों के मनुष्यत्व युक्त मनुष्य हो जाने से ही जीवन की कला विकास पा सकेगी, जिसका ध्येय मनुष्य की सहानुभूति, सक्रियता, स्नेह आदि गुणों के अधिकाधिक प्रसार से ही संभव हो सकता है। इस तरीके के विचारों के द्वारा, इस तरीके के उदाहरणों के द्वारा कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा ने यही बताने और जितलाने का प्रयास किया है, यही समझाने की चेष्टा की है कि संसार का, समाज का, परिवार का विकास स्त्री और पुरुष दोनों के समान रूप से सहभागी होकर, सहयोगी होकर आगे बढ़ने में ही है। एक दूसरे का विरोधी होकर, एक दूसरे की काट करके, एक दूसरे को नीचा दिखाने में बिल्कुल नहीं है। लेखिका के लिए यह विषय अत्यधिक शोचनीय रहा है कि किसी भी शास्त्रकार, साहित्यकार अथवा इतिहासकार ने स्त्री को पुरुष से अलग कोई महत्व ही नहीं दिया। साहित्य रचना के क्षेत्र में स्त्री की सक्रियता भी पुरुष को रास ना आई। वास्तविकता यह है कि पुरुष स्त्री प्रश्नों पर पुंसवादी दृष्टिकोण से ही विचार करता रहा है, लेकिन स्त्री भुक्तभोगी होने के कारण हमेशा प्रामाणिक ही लिखती है। साहित्यकार स्त्री सहयोग से शून्य होने का अर्थ है आदि मानव जाति से उसका शून्य हो जाना। इस कटु सत्य को रेखांकित करना वे अपना परम दायित्व समझती हैं, परम धर्म समझती हैं और उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाती भी हैं। वे लिखती हैं, पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है परंतु नारी के लिए अनुभव। अतः अपने भाग्य का जैसा सजीव चित्र वह हमें दे सकेगी, वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरांत भी शायद ही कभी दे पाए। स्त्री पीड़ा की अभिव्यक्ति में ही प्रत्युत बाल साहित्य से जन्मे भी नारी पुरुष की तुलना में अधिक योग्य है। यह पूर्वाग्रह उन्हें संतप्त करता है कि साहित्य का संबंध केवल उपाधि धारणी महिलाओं से है और उसकी सीमा अंग्रेजी भाषा तक सीमित। लेखिका की दृष्टि में साहित्य जीवन का प्रतिबिंब मात्र नहीं है, अपितु मनुष्य के लिए संजीवनी भी है। ऐसी संजीवनी जो जीवन जीने की अगाध प्रेरणा देती है और साथ ही विश्वास भी। स्त्रियों के मस्तिष्क के लिए साहित्य उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन। श्रृंखला की कड़ियों में महादेवी वर्मा की स्त्री को समाज की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखने की अंतर्दृष्टि और स्त्री सरोकारों पर संपूर्ण संदर्भों में विचार मंचन करने की प्रतिभा स्त्री विमर्श के लिए ठोस आधार भूमि रचती है। अपनी रचनाओं के माध्यम से महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को एक विशेष विस्तार और एक विशेष आकाश प्रदान किया है, साथ ही ठोस धरातल भी प्रदान किया है। वर्तमान समय में अपने विभत्स रूप में उभरती नारी समस्याओं ने विभिन्न कारकों के रूप में समाधान के लिए लेखिका के हृदय को कहीं ना कहीं छुआ है। लेखिका ने 8 दशक पूर्व ही इंगित कर दिया था और कहा था कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुंसवादी वर्चस्व के अधीन दमित और शोषित स्त्री की मूक पीड़ा को वाणी देना बहुत जरूरी है। और पहली बार महादेवी वर्मा इस कार्य में बहुत सफलता के साथ स्त्री लेखन करते हुए दिखाई देती। भारतीय समाज में पितृ सत्ता को उन्होंने खुलकर चुनौती देते हुए स्त्री अस्मिता के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। समाज के अंधेरे बंद कोनों में सिसकती हुई नारी जाति के लिए संबल बनकर स्त्री नवजागरण की अगली कड़ी के रूप में श्रृंखला की कड़ियां सृजित की। महादेवी का यह पुस्तकीय रूप, यह रचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में स्त्री चिंतन से उपजे सामूहिक विमर्श को शुरू करने में और उसके साथ बहुत आगे तक सशक्त रूप में खड़े रहने में महादेवी बहुत ही सफल और समर्थ सिद्ध हुई। यह स्त्री विमर्श के शुरू होने से पहले लिखा गया बहुत पहले का रचना कार्य है।
यह पुस्तक उन सभी स्त्री प्रश्नों को उठाती है जो आज भी स्त्री विमर्श के केंद्र में है। उदाहरण के लिए आर्थिक पर निर्भरता, दासी स्वामी संबंध, दासी स्वामी संबंध, घर और बाहर का अंतर्द्वंद, मातृत्व, वैधव्य, वेश्यावृत्ति और युद्ध काल में स्त्री की स्थिति को देखा जा सकता है। जीवन की संभवतः कोई स्थिति महादेवी से अछूती बची हो जिस पर उन्होंने विचार ना किया हो। स्त्री जीवन के एक-एक सूक्ष्म प्रश्न, एक-एक जरूरत, एक-एक समस्या और एक-एक संभावना पर बहुत गहराई से विचार करते हुए महादेवी ने स्त्री विमर्श को एक विस्तीर्ण विकास प्रदान किया है। ये सभी प्रश्न आज की बहस के केंद्र बने हुए हैं और चर्चा का मुद्दा बने हुए, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्रियां प्रत्येक दिन इन सभी का सामना करती हैं और इनसे जूझ रही हैं। अतः आज के इन प्रश्नों को इतने पहले 8 दशक पूर्व महादेवी वर्मा के द्वारा उठाया जाना ही अपने आप में नितांत महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। अंत में यही कहना तर्कसंगत होगा कि श्रृंखला की कड़ियां लिखकर वास्तव में महादेवी वर्मा ने स्त्री अस्मिता का एक प्रकाश स्तंभ प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।